वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आ गया और एक समर का स्पेशल ड्रिंक्स लेके, जिसका नाम है पपीता की लस्सी। तो चलिए, ये पपीता का लस्सी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। इसके लिए मैं लिया है पपीता। पपीता का मैं ऐसे छोटा छोटा क्यूब करके काट लिया, और साथ में मैं लिया है कर्ड, लिया है शुगर, और लिया है थोड़ा गुरा दूध। और आप लोग इसके जगह में अब नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहिए सॉल्ट। तो चलिए मैं ये रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट मैं ये पपीता को एक मिक्सिंग जार में ऐड कर दूँगी। तो देखिए, मेरा पपीता का मिही पेस्ट रेडी हो गया। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड। और दिया शुगर, आप लोग कोई भी शुगर के जगह में जागरी भी यूज कर सकते हैं। और मैं ऐड करूंगी ये गुरा दूध या मिल्क पाउडर। अगर आप लोगों के घर में नॉर्मल मिल्क है या कॉन्डेंस मिल्क है, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। एकदम ठंडा पानी इसमें ऐड कर दिया, और जस्ट इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करूंगी ब्लैक सॉल्ट। तो इसको फिर से और एक बार मैं पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए, मेरा रेडी हो गया पपीता का लस्सी। अभी मैं इसको दोनों ग्लासेस में सर्व कर लेती हूँ। फर्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ आइस। आप लोगों के हिसाब से बर्फ डालिए। अभी मैं ऊपर से ऐड करूँगी ये ठंडा ठंडा पपीता का लस्सी। मैं ऐड कर दिया पुदीना पत्ता। ये मेरा प्लांट का पुदीना पत्ता है, जो अभी छोटा छोटा है, बट अभी नया नया आया है। तो बस देखिए, मेरा रेडी हो गया ठंडा ठंडा पपीता का लस्सी। देखिए, मेरा रेडी हो गया ठंडा ठंडा पपीता की लस्सी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, घर में खुद बना के खाइए, और मेरे को कमेंट करके बोलिए आपको ये रेसिपी खाके और बना के कैसा लगा है। तो चलिए, मिलते हैं और कोई नया रेसिपी के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में वो बेल बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी नया रेसिपी डालूँ तो आप लोगों के पास वो फर्स्ट आके पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और कोई नया रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय। और अभी रमजान का महीना चल रहा है, आप लोगों को कभी भी कुछ इवनिंग में कुछ ड्रिंक्स खाना है तो आप लोगों का रोजा तोड़ने के बाद, तो आप लोग घर में ये पपीता का ड्रिंक्स ऑब्वियसली पी के बोलिए मेरे को आप लोगों को बना के और पी के कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।